हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ सिंपल ट्राउज़र पैंट की कटिंग। इसकी ही वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगी। तो फ्रेंड, आप लोग अंत तक बने रहिएगा, बीच में बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगी। फ्रेंड, ये फैब्रिक मेरा 2.25 मीटर है, तो ट्राउज़र पैंट कटिंग करने के लिए 2.25 मीटर फैब्रिक ले लीजिएगा। और इसकी चौड़ाई टोटल यहाँ पे 42 इंच है फ्रेंड, तो 42 इंच चलेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए आपको कैसे फोल्ड करना है। तो बस यहाँ पे आपको कपड़ा जितना चौड़ाई हिप की है उससे 3+ ज़्यादा होना चाहिए। तो टोटल मैं यहाँ पे 14 इंच पे निशान लगा के इस तरह से पकड़ के फैब्रिक को डबल बिछा लूँगी और यहाँ फैला लूँगी। तो इस तरह से आपको फैला के पहले रख लेना है, उसके बाद में मेजरमेंट करना है। यहाँ टोटल 14 इंच की चौड़ाई है। तो अब यहाँ से नेफा के लिए फोल्ड करेंगे फ्रेंड। अगर आपको इलास्टिक लगाना है उस हिसाब से आप फोल्ड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इलास्टिक लगाऊंगी, इसलिए 2.5 इंच लगा रही हूँ, क्योंकि 2 इंच का इलास्टिक है मेरा। तो 1/2 इंच ज़्यादा लेके इस तरह से आपको लंबे निशान लगा लेना है ऊपर से। तो ये आप इलास्टिक लगाने के लिए एरिया हो गई। अब यहाँ से हम लेंथ के लिए लेंगे, तो जो भी आपका लेंथ है उसमें आप फिक्स लेंथ ले लीजिए। तो यहाँ पे मेरा 35 इंच का लेंथ है, तो मैं 35 इंच पर निशान लगा देती हूँ। तो फ्रेंड, इस तरह से आपको लेंथ ले लेना है। तो यहाँ पे 35 इंच के मार्क में लगा के नीचे में निशान बना ली हूँ। बराबर रहना चाहिए ऊपर से लेकर नीचे तक सेम 35 इंच। तो यहाँ पे बराबर करने के बाद इस तरह से आपको निशान बना के एक समान कर लेना है। फिर उसके बाद में हम कमर लेंगे। तो कमर लेने के लिए हिप का 4 भाग लेते हैं। तो हिप मेरा यहाँ 36 इंच है, 36 को 4 से डिवाइड किए तो 9 आया, उसमें 3+ किए तो 12 आया। तो 12 पर मैं निशान लगाऊंगी। इस तरह से आपको लगाना है कमर के लिए। आगे से 2.5 इंच आपको ये एरिया रखना है क्रोच एरिया के लिए। अब यहाँ से लेंथ मैं 12 इंच लूँगी और 1/2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। तो टोटल 12.5 इंच पर यहाँ पर लेंथ में मैं निशान लगा रही हूँ। ये भी आपको हिप के हिसाब से मेजरमेंट लेना है 4 भाग करने के बाद 3 लूजिंग। तो सेम 36 इंच के बाद मैं यहाँ पे 3 इंच लूजिंग लेकर 12 इंच पे कटिंग की हूँ, ड्राइंग लगाई हूँ और यहाँ पे 1/2 इंच मार्जिन लगाई हूँ। और ये क्रोच एरिया हल्का सा देना है। तो देखिए सामने से 2.5 इंच मेरा क्रोच एरिया का चौड़ाई है। अब यहाँ से 1/2 लेना है क्रोच से लेकर पूरे घेरे में। तो मेरा 7 आ रहा है, तो 7 में ऊपर से लेकर नीचे तक 7 पर निशान लगाऊँगी। तो क्रोच एरिया का हमेशा 1/2 लेना है, 1/2 लेकर मार्क इस तरह से लगा लेना है पूरे में। और यहाँ लंबी निशान लगा देना है मोहरी से लेकर कमर तक। ये निशान हो गई। अब ये निशान के हिसाब से मोहरी का हम मेजरमेंट निकालेंगे। टोटल मोहरी 14 इंच का है, तो उसका 1/2 मैं की हूँ 3.5 इंच, उसमें प्लस मार्जिन ली हूँ 1/2 इंच। तो यहाँ पे मैं 4-4 इंच का दोनों साइड से सेंटर से निकाल ली हूँ। तो यहाँ पे टोटल हो गया 8 इंच। 8 इंच टोटल लेकर यहाँ से आपको सीधा मार्क लगा लेना है। उसके बाद 2 इंच नीचे से एक्स्ट्रा और एक मार्क लगाना है फोल्डिंग के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा तिरछा देना होगा आगे की तरफ फोल्ड करने के लिए फ्रेंड। तो यहाँ पर चलिए हो गया। अब क्रोच एरिया से मिला के तो यहाँ पे हम इस तरह से रखेंगे। देखिए क्रोच एरिया और मोहरी को इस तरह से मिलाते हुए फटरी को रखना है, इस तरह से ड्राइंग कर लेना है। उसके बाद में साइड वाला भी सेंटर जो है, यहाँ पे आपको शायद दिख नहीं रहा है, यहाँ पे मैं सेंटर बना दी हूँ। अब यहाँ सेंटर से मिलाते हुए मोहरी की तरफ से इस तरह से फटरी रखना है। अगर आपके पास इस तरह की फटरी ना हो तो फीता से भी लेके यहाँ पर थोड़ा सा तिरछा ड्राइंग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम कटिंग करने के लिए रेडी हैं। तो यहाँ पे आपको जैसे ड्राइंग दिख रहा है बिल्कुल वैसी ड्राइंग पे कीजिए फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए कट करने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखेगा फ्रेंड। अब यहाँ नीचे से भी कट कर लेना है लेंथ को। अब साइड से हम कट अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी बैक पल्ला बाकी है। तो बैक पल्ला के साथ कटिंग करना होता है, इसको अभी नहीं कट करना होता है। तो इसलिए इसको फोल्ड करके रखती हूँ और बैक पल्ला के लिए मैं यहाँ पर डबल बिछाऊँगी। तो फ्रेंड, यहाँ पर डबल बिछाने के लिए आपको चेंजिंग करना होगा। फ्रंट पल्ला हम 14 इंच पे बिछाए थे डबल में, यहाँ पे 14 इंच पे नहीं बिछाएंगे। यहाँ पे हम 2.5 से 3 इंच ज़्यादा लेंगे। तो यहाँ पे टोटल हम 17 इंच के लगभग में बिछा लिए हैं। तो यहाँ आपको हमेशा फ्रंट पल्ला से 2 से 2.5 इंच ज़्यादा बिछाना है। और यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके मैं निकाल ली हूँ, कपड़े को बिछा के सीख ली हूँ। अब इस पर फ्रंट पल्ला ऊपर से 2 इंच छोड़ते हुए बिछाना है। देखिए ऊपर से मैं 2 इंच छोड़ते हुए और साइड से बराबर रखते हुए यहाँ पे बिछा के अच्छी तरह सीख लेना है। सीखने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कमर के ऊपर से मैं 2-2 इंच छोड़ दी हूँ। तो इसको मैं बताऊँगी क्यों छोड़ी हूँ, क्योंकि जब हम लेडीज़ बैठते हैं तो नीचे से खिंचाव आती है, इसीलिए बैक पल्ला ऊपर से बड़ा होता है और साइड से भी बड़ा होता है।
तो ऊपर से और साइड से इस तरह से हम दो दो इंच एक्स्ट्रा लेंगे और क्रोचेरिया में पूरा मार्जिंग ले लेंगे आगे से आढ़ाई इंच, और इसमें क्रोचेरिया की मार्किंग हल्का हल्का गोलाई दे देंगे। उसके बाद में यहाँ से भी दो इंच आपको लेना है साइड से, तो ये साइड से आपको लेते हुए नीचे तक जाना है और नीचे मोहरी तक मिला देना है दो दो इंच के स्टाफ में, और नीचे की मोहरी में बराबर रखना है। और यहाँ दो इंच में ली हूँ तो यहाँ पे इस तरह से आपको फीता रखना है साइड से बराबर और ऊपर से दो इंच एक्स्ट्रा, और इस तरह से मार्क लगा देना है। तो नीचे से देखिए बराबर है और साइड से ज़्यादा है, तो अब ये इस निशान के ऊपर हमको कट करके निकाल लेना है फ्रेंड। तो देखिए बिल्कुल जैसे मैं ड्राइंग की हूँ वैसे ही कटिंग कर रही हूँ। अगर आपको ये ट्राउजर पैंट की कटिंग और स्टिचिंग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंड। अब इसकी कटिंग करनी है साइड वाली फ्रेंड, तो ये साइड वाली एक साथ दोनों पल्ला को एक समान रखते हुए कटिंग करना है, क्योंकि ये साइड का पल्ला हमेशा एक साथ कट करना होता है और ये बंद पल्ला दोनों को खोल देना होता है। तो ये फ्रंट पल्ला और बैक पल्ला दोनों को मैं यहाँ पे खोल दे रही हूँ। अब यहाँ पॉकेट लगाने के लिए मैं पॉकेट भी कटिंग करना सिखाऊंगी फ्रेंड। तो पहले आपको बता दूँ, ये आपको ट्राउजर पैंट जो हिप देख रहे हैं बैक साइड का बड़ा और छोटा, तो इस तरह से अगर कट करते हैं तो जितना मर्जी लेडीज हेल्दी हो आपको खिंचाव नहीं आएगा क्रोचेरिया में, बल्कि परफेक्ट बैठेगा। आपको इस तरीके से पैंट कटिंग करनी चाहिए फ्रेंड। अब हम पॉकेट के लिए तैयार हैं। 12 इंच पे हम फोल्ड करके यहाँ पे बिछा लेंगे और यहाँ पे 12 इंच के बाद 7 इंच का चौड़ाई लेंगे, तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी रख सकते हैं। ऊपर से यहाँ आपको 5 इंच लेना है और यहाँ से हल्का हल्का तिरछी मिला देना है 7 इंच के यहाँ पे, और इस तरह से कट कर लेना फ्रेंड। तो ये सिंपल है पॉकेट के कट करना, और यहाँ से आपको बंद पल्ला को खोल लेना है और थोड़ा सा नोकी की तरफ से आपको गोलाई दे देना है। अगर आप चाहे तो इसे भी रख सकते हो जैसे है। तो फ्रेंड यहाँ पे ट्राउजर पैंट की कटिंग कंप्लीट हो गई है पॉकेट के साथ। फ्रेंड यहाँ पे मैं आपको कटिंग सिखाई हूँ, कैसा लगा इस फ्रेंड? उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद का होगा, काम का होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस तरह का वीडियो मैं हमेशा अपलोड करती रहती हूँ फ्रेंड, तो इस तरह की वीडियो और भी अपलोड करके रखी हूँ पॉकेट वाला, उसको भी आप जरूर देखना। मिलती हूँ अगले वीडियो।